गिरा था केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज। देखिए ये एग्रो केमिकल्स की एक कंपनी है, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी, और पहले भी हमने देखा किस तरीके से पेस्टिसाइड्स वाली और एग्रो केमिकल्स वाले स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किए। आई एम वेरी बुलिश ऑन एग्री इनपुट्स, पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान भी एग्री इनपुट्स के स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे थे, वो आउट परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई फर्क नहीं पड़ा था। और वैसे भी इंडिया की इस बार जो एग्रीकल्चर जीडीपी है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और मुझे लगता है आने वाले सालों में भी जिस तरीके से एमएसपी और जो भी सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है इस इंडस्ट्री के लिए या इस सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ये सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया करेंगे आने वाले दिनों में। तो इट्स अ वेरी क्वालिटी कंपनी, और ये स्टॉक देखिए बहुत दिनों से रडार पे था और मैं इनकी रेटिंग्स भी देख रहा था। कुछ लिक्विडिटी के इश्यूज आते हैं इसलिए कई बार रेकमेंड नहीं कर पाते हैं, बट ये मैंने कोई फेस्टिव पिक में दिया था अपने चैनल पे ही, और उसके बाद से बहुत बड़ा मूव आया, 943 तक के लेवल्स गए, फिर वापस से अभी मार्केट्स के साथ 20% ऊपर से जब करेक्ट हुआ तो आई थॉट इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एंटर द स्टॉक, और अपने जो एवरेजेस है उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा, तो 800 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बट ये ध्यान में रखेगी अगर ये नीचे भी आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें मैं जो शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न देख रहा था उसमें इतने सारे बड़े बड़े नाम्स हैं जो मतलब वो इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग की लिस्ट में, तो उनसे और कॉन्फिडेंस मुझे आ गया। कुछ कॉर्पोरेट्स भी है, कुछ जो रेगुलर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स या सुपरस्टार इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टेड है, तो उससे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं रेटिंग्स को देख रहा था तो रेटिंग्स में भी अपग्रेडेशन आ रहा है। So these are some of the important points which I thought highlight करूंगा। अब मैं return on capital employed 20% है, return on equity 16% है, पिछले 3 साल के profit की CAGR जो है 48%, 5 साल की 50% की, और 16-17% की sales की growth आ रही है। So basically margins के front पे भी ये लोग improve कर रहे हैं, और overall जो growth है, अब September का quarter में देख रहा था तो बहुत बढ़िया quarter है। पिछले September में भी इन्होंने 2-3 quarters बीच में हल्के गए थे, फिर कंटिन्यूअसली पिछले सितंबर जून लाजमी था, थोड़ा सा हल्का था पिछले सितंबर के सामने, इस बार करीब 20-25% की ग्रोथ है। 6-6.5 करोड़ का पैट था और इस सितंबर में 8.5 करोड़ का पैट, और पिछले 4 quarters में जो प्रॉफिट्स कमाए हैं तो TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी है, 31 करोड़ के पैट पे। सो आई फील कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे ले सकते हैं, और 920-950 का टारगेट। बाकी एक चीज ध्यान रखें, मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी करेक्शन ज्यादा आती है, मार्केट जब भी टूटते हैं, तो जो भी ले वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, और अनबोरोड और अनवांटेड मनी से ले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पर्पस आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए हम रेकमेंड करते हैं।